हाय गाइस, पूरा बियर। अब आज हम बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड इसके शेयर के बारे में। ये शेयर आज काफ़ी भागा, एक्चुअली 5% की एक्चुअली तेज़ी दिखाई इस शेयर में, और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में एक्चुअली ये ट्रेड हुआ आज जी एंटरटेनमेंट का शेयर। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि बेसिकली इसका बिजनेस क्या है और प्रोज एंड कॉन्स क्या है। जी एंटरटेनमेंट मेनली बिजनेस ब्रॉडकास्टिंग जो टेलीविजन चैनल, बेसिकली जी न्यूज़, जी सिनेमा, जी तो और सैटेलाइट चैनल्स हैं, एंड देन मीडिया कंटेंट प्रोग्राम, फिल्म्स के राइट्स एंड म्यूजिक राइट्स, वो सारी चीज़ों में ये एक्चुअली फिल्म प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों में एक्चुअली काम करता है ये। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो मिड कैप शेयर है, मॉडरेट रिस्क है, वॉलेटिली है, मतलब वॉलेटिलिटी इसके अंदर होती है, और रिस्की शेयर है, काफ़ी थोड़ा सा रिस्की शेयर है, ठीक है गाइज। और इसकी पी रेशियो को बात करो पर करें अगर हम, तो 73 है, आर आई जो है, आरओसी 14% का है। तो रिस्क ऑन कैपिटल वगैरह तो वो हाई है। मार्केट कैप जो है 19,000 करोड़ की है इसकी। डिविडेंड यील्ड 0.15 है, काफ़ी कम है। सेल्स ग्रोथ 8% की है। इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, पिछले 5 सालों से एक्चुअली पुअर ग्रोथ दिखाई है 10% की। प्रमोटर होल्डिंग जो है इसके अंदर काफ़ी कम है। कंपनी ने 13% का रिटर्न दिया लास्ट 3 सालों में। प्रमोटर ने जो एक्चुअली इसकी जो होल्डिंग है वो घटाई है। तो अभी हम देख लेते हैं, बेसिकली प्रमोटर के पास पहले 2017 के अंदर 43% की एक्चुअली होल्डिंग थी, और अभी वो रह गई है सिर्फ 4.7% की। तो प्रमोटर जो है उसकी लगातार एक्चुअली शेयर जो है वो बेच रहा है मार्केट के अंदर। तो हो सकता है अगले इस साल के एंड तक प्रोमोटर सारे शेयर बेच के निकल जाए। वो सारे शेयर खरीद कौन रहा है, FII, DIIs एंड डोमेस्टिक, डोमेस्टिक जो हम आप और हम जैसे लोग, वो इसके अंदर पैसे खरीद मतलब शेयर्स खरीद रहे हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि प्रमोटर को खुद भी एक्चुअली इस शेयर पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो खुद के शेयर बेच के भाग रहे हैं। तो सिंपल है, क्योंकि 2017 में ये शेयर जो था उस प्रमोटर के पास 47% की होल्डिंग थी, और आप रह गई है 4% की। तो हो सकता है अभी इस साल वो सारी बेच के निकल जाए। और मैं एक्चुअली खुद रेकमेंड नहीं करूँगा कि कोई भी रिटेल निवेशक इस शेयर के अंदर पैसा लगाए, 1% का भी नहीं। मेरे ख्याल से जुआ खेलना भी मतलब इसके लिए सही नहीं होगा। तो आप पूछेंगे रीज़न क्या है कि इसके अंदर पैसे क्यों नहीं लगाना चाहते। देखिए साथियों, कि एक्चुअली हर चीज़ का एक दौर होता है। आप ये सोचिए, अभी जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का अभी ज़माना रह गया है क्या? न्यूज़पेपर का अभी ज़माना चला गया, इसका रीज़न क्या है? चैनल्स, मोबाइल, न्यूज़। अभी आपको मोबाइल पे न्यूज़ मिल जाती है, तो आप पेपर क्यों खरीदेगा? कोई भी न्यूज़पेपर नहीं खरीदता, डिजिटल का युग ये आ चुका है। वैसे ही एक टाइम पे जो केबल का ज़माना था, पिछले 15-20 साल से केबल का ज़माना चल रहा था। अभी केबल के ज़माना जो है, केबल और जो चैनल्स हैं उसका ज़माना जाने की बारी आई है। अगले 3-4-5 सालों के अंदर जो चैनल्स हैं वो सब कुछ, चैनल्स वगैरह वो सब कुछ बंद हो जाएगा गाइस, और सिर्फ अब रहेगा नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, जी, उनके जो एप्स हैं, सब्सक्रिप्शन वगैरह ये सब रहेगा। और जी जिस जिस तरीके से जा रहा है उस तरीके से मुझे नहीं लगता वो उस कंपटीशन में रह पाएगा। तो ये एक चेंज होता है, जैसे ऑटो इंडस्ट्री का एक दौर था, इलेक्ट्रिक, तो अभी जो पेट्रोल डीजल उसका एक दौर है, अभी फिर आगे आने वाला पावर इलेक्ट्रिसिटी का एक दौर आएगा। तो ये हर 20-25 सालों में एक्चुअली ये रिफॉर्म होता रहता है, और उसमें कुछ कंपनियां ऊपर चली जाती है, कुछ कंपनियां डूब जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा माहौल, कि ये कंपनी
काफी रिस्की है और आगे इसके अंदर डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि प्रोमोटर खुद उसके शेयर बेच के भाग रहा है और आम आदमी इस शेयर के अंदर घुस रहे हैं, तो पता नहीं क्यों। तो हम देख लेते 1 साल के अंदर इसने क्या किया है। 1 साल के अंदर 44% का लॉस हुआ है लोगों को। 5 साल के अंदर देख लेते क्या हुआ है। 5 साल पहले जिसने जी एंटरटेनमेंट में पैसा लगाया है उसका भी 43% का लॉस हुआ है 5 साल पहले। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5 साल पहले अगर किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो एटलीस्ट मैं बोलता हूँ 50% का तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए, मिनिमम 50%। मगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट तो छोड़ ही दीजिए, कैपिटल ही डूब गया है। और इसका ग्राफ जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ग्राफ देखिए आप, जनवरी 18 से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मतलब पिछले 2 सालों से ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है गाइस, पिछले 2 सालों से गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 2 साल से, यहाँ पे देखिए पिछले 2 साल से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है गाइस, और ये डाउन ट्रेंड में जाता ही रहेगा। ये जो एक्चुअली एक एक्चुअली कहावत होती है, दिया ज बुझने से पहले बहुत ज़बरदस्त फड़फड़ाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है समाओ ये इसके अंदर कुछ फड़फड़ा रहते हैं। तो अगर आपके पास ये शेयर हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहा है तो आप इसको बेच के निकल जाइए। अगर आप उसके अंदर ऊपर के रेटों में फंसे हुए हैं 400-500 रुपये में या 300 रुपये में, तो आप थोड़ी थोड़े टाइम के लिए रुक सकते हैं। आपको मिनिमम मेरे ख्याल से कुछ दिनों के बाद आपको 250 का रेट मिलेगा। 250 रुपये के रेट पे आप उसके अंदर से एग्जिट करके निकल जाइए। 250 से 300 रुपये की रेट में आप इसके अंदर से एग्जिट कर दीजिए। अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो थोड़ा सा बेर करके इस शेयर से आप दूर रहिए। इसके ये शेयर को बेच के आप दूसरे शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे शेयर कौन से इस आप कर सकते हैं, कौन से ले सकते हैं अगर आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर ही पैसा लगाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा पीवीआर या आइनॉक्स, उसके अंदर थोड़े थोड़े पैसे लगा सकते हैं। मगर ये इंडस्ट्री जो है ये डूबने वाला सूरज है, तो इसके अंदर अभी तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पैसा लगाइए। फिर देख लेते हैं कि कितने एनालिस्ट ने इसको बाय की रेटिंग दी हुई है। गाइस एनालिस्ट का बहुत बार एक्चुअली सही भी होता है, बहुत बार गलत भी होता है, तो वो डिसीजन आपको लेना है कि सच में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे 23 पर एनालिस्ट ने इसका एनालिसिस किया हुआ है और 52% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि बाय की रेटिंग, मतलब अराउंड 48% एनालिस्ट नो बाय की रेटिंग दे रहे हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद में अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें, ठीक है, फाइनेंशियल देखेंगे तो 2017 से रेवेन्यू ग्रोथ जो है बहुत निग्लिजेबल है गाइस, बहुत ही निग्लिजेबल। ये इसको आप अराउंड 8,000 ही बोल सकते हैं, और यहाँ पे भी 3 सालों के बाद भी 8,500 करोड़। ईबीटा देखिए, ईबीटा कम हो रहा है। नेट इनकम अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नेट इनकम कम होते जा रही है हर साल। इनकम एक्चुअल में देखिए 2017 में 2,220 करोड़ थी और अब रह गई है 500 करोड़। तो गाइस, और प्रमोटर खुद भाग रहा है, इसका रीजन आप दिख गया आपको, दिख गया कि क्यों भाग रहा है वो प्रमोटर। तो गाइस आप भी, आपके पास भी अगर ये शेयर है तो बेच के भाग जाइए इस शेयर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर ग्रोथ कैसे किस किस तरीके से बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस। ये ग्रोथ है इसकी, नेट इनकम इसका 4 गुना कम हो गए हैं, 4 गुना इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। खुद जो इसका गाइस, इसका जो प्रमोटर है वो खुद उसकी होल्डिंग बेच के भाग रहा है, खुद बेच के भाग रहा है गाइस। होल्डिंग के टैग में जाके देख लेते हैं जिससे आपको अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं
म्यूचुअल फंड वालों का है यहाँ पे, टोटल प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए आप यहाँ पे कितनी है, तो सितंबर में देख लेते हैं, प्रोमोटर की होल्डिंग 22% की थी सितंबर 2019 में, जनवरी जून 2020 तक ये प्रोमोटर होल्डिंग उसने अराउंड 75% होल्डिंग खुद की बेच दी। तो एक बात ध्यान में रखिए, ये शेयर रिटेल इन्वेस्टर के नहीं हैं, तो आपके पास ये शेयर है तो ये शेयर को बेच के भागिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक दिए हैं, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए। मैं रोज वहाँ पे सुबह एक्चुअली अपडेट डालता हूँ कि कौन सा शेयर लेना चाहिए गाइज। ये बिजनेस करने वाले लोगों के लिए नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं जो 1 लाख से 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, या 1,000-2,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक, उनके लिए वीडियो है गाइस। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।